अगले 10 सालों के अंदर निक जोन्स और प्रियंका चोपड़ा के बीच में हो जाएगा डिवोर्स, ऐसे ही कुछ कहा बॉलीवुड के अभिनेता ने कमाल रशीद खान मतलब KRK बॉलीवुड की इसी अभिनेता ने। हर वक्त कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी के अंदर पड़ ही जाते हैं। कुछ दिन पहले शायद आप लोगों को दोस्तों पता होगा सलमान खान के साथ एक कंट्रोवर्सी के अंदर उसने फंस गया था, जो लास्ट में कोर्ट तक पहुंच गया था। और इस बार उसने प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स के बारे में एक गलत अफवाह उठा दिया है। कमाल खान को लगता है अगले 10 साल के अंदर प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स के बीच में हो जाएगा डिवोर्स। हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्रियंका चोपड़ा के बारे में उसने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, जिसकी वजह से ट्विटर में ट्रोलिंग भी हो रहा है KRK। वैसे KRK को इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले भी ऐसा हुआ था लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं करता है। साहिब करीना की बेटा तैमूर लेके भी कुछ गलत चीज़ें बताया। उन्होंने बताया कि करीना कपूर और सैफ अली खान की जो दो बच्चे तैमूर और जय, इन दोनों का नाम गलत रखा है सैफ और करीना ने, और इसी वजह से भविष्य में एक्टर होने में तैमूर और जय को प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए ट्विटर में उसने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रेडिक्शन 03 निक जोन्स विल डिवोर्स प्रियंका चोपड़ा विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। KRK ने तो खुद को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अभिनेता, क्रिटिक खुद को मानते हैं। हर वक्त बॉलीवुड के कुछ ना कुछ बड़े सेलिब उनका लिस्ट में आ जाते हैं। कुछ दिन पहले ही जब आमिर खान और किरण राव के बीच में डिवोर्स हो गया था, उसने यूट्यूब चैनल में आके एक वीडियो बनाया था जहाँ पे बताया था कि जब आमिर खान किरण राव को शादी किया था मतलब 15 साल पहले, तब किरण राव को देखने के बाद आमिर खान ने बोल दिया था कि ज़्यादातर ये शादी नहीं टिकने वाले है। आपको क्या लगता है ये सच है? ऐसी पागलपन करते रहते KRK ने, कभी दिशा पटानी, कभी तपसी पन्नू, कभी गोविंदा के बारे में भी गलत चीज़ बताते रहते हैं। और इसी वजह से ही सलमान खान ने बड़ा स्टेप लिया था जब राधे मूवी का रिव्यू करते वक्त सलमान खान को पर्सनल अटैक किया था। अब तो दोस्तों प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड का भी बड़ा स्टार है। देखना बाकी है बस क्या ये हॉलीवुड की क्यूटेस्ट कपल KRK के ऊपर कुछ स्टेप लेता है क्या सलमान खान की जैसा।